हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज मेरे साथ में है यजदी की रोडस्टर 2024 मॉडल। अब इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं एक ऐसे यूज़र के लिए जो कि ऐसी बाइक चाहता है जैसे कि आप थोड़ा बहुत एडवेंचर भी कर सको, थोड़ा बहुत टूरिंग भी कर सको और साथ ही साथ आप इस बाइक को डेली में भी यूज़ कर सको। तो वो सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर जाके चेकआउट करोगे इसके वॉकअराउंड वीडियो में मिल जाएंगी। बाकी का आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक डिटेल्ड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि कई बार क्या होता है जिन लोगों को कुछ ऐसी बाइक पसंद आती हैं जो कि काफ़ी अच्छी हो सेगमेंट में और 2 लाख तक या फिर 2 लाख 2.5 लाख प्राइस वेरी करें, तो उनका अगर बजट नहीं बनता है तो ये वाली फाइनेंस रिलेटेड वीडियो उनके लिए हो सकती है। क्योंकि फाइनेंस सीधा सीधा इन सिंपल ये होती है कैलकुलेशन के कुछ अमाउंट आप स्टार्टिंग में पे कर दो लाइक डाउन पेमेंट जैसा, और उसके बाद आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट बना सकते हो जिसमें कि आपको 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल ऑप्शन दिए जाते हैं। ये फाइनेंस ऑप्शन जो है वो आपको हर शोरूम पे हर बाइक से रिलेटेड हर 2 व्हीलर बाइक में देखने के लिए मिलेगा, और यही नहीं आपको 4 व्हीलर में भी ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं यजदी रोडस्टर से फाइनेंस रिलेटेड जानकारी कि आप अगर लेना चाहते हो यजदी की रोडस्टर और आपका बजट नहीं है तो आपको कम से कम कितना पैसा जमा करना पड़ेगा या फिर कितनी डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में पे करनी पड़ेगी और कितनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होने वाली है, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं इसकी नॉर्मल स्पेसिफिकेशन, यहाँ आपको 336 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन देखने मिलेगा जो जनरेट करेगा 29 PS की पावर एंड 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर जो है बहुत ही अच्छा निकल के आता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ होगी, आगे की तरफ आपको रेडिएटर भी मिल जाएगा, इंजन कूलिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। 12.5 लीटर यहाँ ये फ्यूल की कैपेसिटी नजर आएगी, फ्यूल टैंक जो है 12.5 लीटर का देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में देखोगे आपको फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जाता है 100 सेक्शन का, रियर में 130 सेक्शन का टायर देखने मिलेगा। ट्यूब अलॉय व्हील कंपनी से ही ऑफर किए जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील आएंगे, 1 एंड ओनली सेगमेंट में लगभग सबसे बड़ा 320 mm का डिस्क आगे की तरफ देखने को मिलेगा, ABS डिस्क नजर, रियर में 240 सेक्शन का डिस्क नजर आ जाएगा। फ्रंट के सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक, रियर में स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन होंगे। लाइट की अगर बात करी जाए तो फुल्ली LED सेटअप के साथ में हेलोजन इंडिकेटर्स के लाइट देखने के लिए आपको मिल जाएगी, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा और काफ़ी अच्छी सीट हाइट 790 mm सीट हाइट के साथ ये बाइक आती है। अब ये जो हो गई ये इसकी बेसिक सी डिटेल हो गई, आपको देने वाला हूँ इस बाइक से फाइनेंस की जानकारी। अब आप अगर फाइनेंस करना चाहते हो यजदी की रोडस्टर तो आपको कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, आपको देने पड़ेंगे लगभग 34,999 रुपये, ये आपको देना पड़ेगा 2,47,500 रुपये ऑन रोड पे। अब इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 2,47,500, जिसमें कि आप डाउन पेमेंट फर्स्ट टाइम पे करना चाहो तो 34,500 रुपये डाउन पेमेंट पे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप EMI बनवाना चाहो 2 साल की तो 2 साल की EMI आपके लिए बनती है इसके अंदर 11,051 रुपये की। साथ ही साथ अगर आप करवाना चाहो 36 महीने की EMI तो आपकी 36 मंथ्स मंथली इंस्टॉलमेंट 7,955 रुपये की निकल के आती है। अब अगर आप इस बाइक को फाइनेंस करवाना चाहते हो इतनी इंस्टॉलमेंट पे तो आपकी मंथली अर्निंग कितनी होनी चाहिए, लगभग 24,000 से लेकर 25,000 तक की आपकी मंथली अर्निंग सैलरी या फिर आपके अपने बिजनेस से इतनी अर्निंग आपकी होनी चाहिए तो आप इस बाइक को इजीली कंसीडर कर सकोगे और इजीली आप इस बाइक को फाइनेंस भी करवा सकोगे। अगर आपका बजट कम है, अगर आप ऑलरेडी किसी बैंक से लोन ले चुके हो और उसकी EMI आप टाइम से पे कर रहे हो देन उस केस में क्या होता है कि बैंक आपको अच्छे अच्छे ऑफर वगैरह प्रोवाइड करवा सकता है और एक अच्छा लोन अमाउंट आपको दे सकता है और अच्छे से ब्याज की दर भी आपको दे सकता है। ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज की दर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपको मंथली या फिर कह लें ईयरली आपको पे करना पड़ता है एक फिक्स अमाउंट पे। जैसे कि 2 लाख लोन है तो आपको बैंक बता देगा कि इतना 8.9-8.2% है, उतना आपको मंथ ईयरली पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोन अमाउंट जो होता है, लोन अमाउंट ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी 2,10,000 की है तो बैंक आपको बोलेगा कि हम आपको 1,70,000 का लोन देंगे। अब आप 2,10,000 की अगर गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो 1,70 बैंक ने दे दिया, बचा 40, 40 आपको डाउन पेमेंट के रूप में पे करना पड़ेगा। कुछ प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है बैंक की तरफ से जो कि आपको डाउन पेमेंट के साथ ही जमा करनी पड़ती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंसिडर जब की जाएंगी जब आप बाइक लेने के लिए जाओगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसीड करवाओगे। बाकी का अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम लोन आपकी डाउन पेमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, बट अगर आपका सिविल काफ़ी अच्छा है तो आप 34,000 ही नहीं उससे भी कम डाउन पेमेंट में
इस बाइक को निकाल सकते हो। अब आप मेरे को बताओगे आपको कैसी लगी ये फाइनेंस रिलेटेड जानकारी, इस चीज़ के बारे में आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए, और आप ऑलरेडी कुछ फाइनेंस पे कोई बाइक ले चुके हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको कैसी लगी ये फाइनेंस की वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ।